आज लॉकअप में हुए हैं काफ़ी सारे धमाके, और इन धमाकों के बीच जहां आजमा पर हाथापाई हुई है, अंजलि केवी के बीच में भी हाथापाई हो गई है, काफ़ी घर वालों के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, उसी बीच हुई है एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की भी एंट्री, जहां कई अटकलें लगाई जा रही थी कि वाइल्ड कार्ड की तरह दिव्या अग्रवाल आ रही हैं वाइल्ड कार्ड की तरह, मोहसिन खान का भी नाम सामने आ रहा था वाइल्ड कार्ड की तरह, पार्थ समथान का नाम भी सामने आ रहा था। अब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एक्चुअली पहुँच चुके हैं लॉकअप के अंदर, और वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बिग बॉस सीजन 9 के विनर प्रिंस नरूला है। जी हाँ, प्रिंस नरूला जो है बिग बॉस के घर में, सॉरी लॉकअप के इस जेल में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लॉकअप के जेल में प्रिंस नरूला की हो चुकी है एंट्री, और अब देखना पड़ेगा कि मुनव्वर और जितने भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से प्रिंस नरूला के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि प्रिंस में एक अमेजिंग कैलिबर है। वो जिस तरीके से बिग बॉस जैसा शो भी जीत गए थे, जहाँ पर इनिशियली उन्हें बहुत अंडरडॉग समझा जा रहा था, अगर आपको याद हो बिग बॉस 9 का प्रोमो, तो उन पर सब एक्चुअली हंस रहे थे। तो इस बार देखना पड़ेगा कि इस शो में प्रिंस नरूला खुद को कैसे प्रूव करते हैं। मोर ओवर जहाँ पर उनके खुद के फ्रेंड करण कुंद्रा एक जेलर का पोजिशन पर हैं, तो देखने में मज़ा आने वाला है इस गेम को, जिसके लिए आप सभी लोगों का क्या रिएक्शन है, आप सभी लोगों का क्या कहना है, क्या प्रिंस नरूला इन सारे महारथियों के सामने खुद को भी महारथी साबित कर पाएंगे, या फिर एक रथी की तरह गेम में पीछे छूट जाएंगे। लिखिए कॉमेंट सेक्शन में और कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब।